जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और इसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं किंगडम फंजाई। आज कवकों के बारे में बात करेंगे। कवकों से हम सब परिचित हैं, ये फंजाई कहलाते हैं और ये पौधों का वह समूह है जो हरे नहीं होते हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे भी पौधे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं और इन्हें पौधों के समूह में रखने का कारण है कि इनकी जो सेल है इस पे सेल वाल पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9451726553 और यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए आपको कुछ कवक दिख रहे हैं जिन्हें कि हम मशरूम कहते हैं, तो मशरूम आपको दिख रहे होंगे। चलिए, कवक जगत फंजाई मशरूम परिवार का पृथ्वी पर एक भरा पूरा संसार है, अर्थात इस पृथ्वी पर कवकों की बहुत ही बड़ी तादाद है और ये लगभग 1 लाख तक इनकी जातियां अभी तक ज्ञात हैं। 1 लाख जातियां अभी तक खोजी गई हैं। कवक एक कोशिकीय इष्ट से एक कोशिकीय यूनिसेलुलर इष्ट से लेकर के और मल्टी सेलुलर व बड़े आकार के भी होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है ये बड़े आकार का और एक यूनिसेलुलर इष्ट जो होता है वो एक कोशिकीय भी होता है। तो ये विचित्र बात है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक कोशिकीय इष्ट से लेकर बहुकोशिकीय बड़े आकार के भी होते हैं। यह सभी कवक यूकैरियोटिक होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये विषम पोषी हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या चीज़ है कि ये मृतोपजीवी से ऑटोट्रॉपिक नहीं होते। हेटरोट्रॉपिक मतलब कि दूसरे पौधों पर, दूसरे जीवों पर अपना जीवन निर्वहन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये मृतोपजीवी होते हैं, सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन निर्वहन करते हैं, इसलिए इन्हें हम विषम पोषी या हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। यह भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं कर सकते। बहुत विचित्र बात है कि ये भोजन को अंतर्ग्रहण नहीं करते बल्कि तरल भोजन का अवशोषण करते हैं। ये कोई भी कार्बनिक पदार्थों का सकिंग करते हैं, जैसे चूसना होता है वैसे एब्जॉर्ब करते हैं और ये उसको इंगेज नहीं करते हैं, किसी भी अपने बॉडी के अंदर उसमें कोई परिवर्तन करके इंगेज नहीं करते हैं। कवक विज्ञान के जनक पी एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। कहीं कहीं पे देखिएगा मिकेली भी लिखा मिलेगा, पी एंटोनियो मिकेली, लेकिन स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, पी एंटोनियो ANTANIOMICHELI। फिर से सुनेंगे, PANTANIOMICHELI मिचेली को कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, प्रायः बहुत से उसमें एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये तो था कि जनरली जो फंगस हैं उसके फादर, लेकिन अगर देखा जाए कि भारतीय इंडियन कवक विज्ञान के जनक अगर पूछेगा, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एवं पादप रोग विज्ञान दोनों के, तो जनक EJ बटलर भारतीय कवक विज्ञान के जनक EJ बटलर। और केवल कवक जनक अगर पूछा जाए, फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो पी एंटोनियो मिचेली। याद रखिएगा, कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। MYCOLOGY माइकोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आगे कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान, देखिए अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था, कवकों के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है, MYCOLOGY। ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवास तथा पोषण हैबिट एंड न्यूट्रिशन हेडिंग है ये जल
थल वायु आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अर्थात ये पृथ्वी के सभी ऐसे स्पेस जहाँ पे अन्य जीव अपना सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे ये फंगस सर्वाइव कर लेते हैं। ये पौधों का ऐसा समूह है जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते। यह पौधों का ऐसा समूह है जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, अर्थात अच्छा भोजन बना क्यों नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। मैंने कहा कि ऐसे पौधों का समूह है जो हरे नहीं होते, तो हरे नहीं होंगे तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो यह ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसलिए यह हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इनमें अपना भोजन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, बल्कि ये कार्बनिक पदार्थों के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन निर्वहन करते हैं। कुछ पैरासाइट भी होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे पर निर्भर होकर के सहजीविता भी प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है, यह परजीवी पैरासाइट सिम्बायोटिक सहजीवी मृत उपजीवी सैप्रोफिटिक होते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनको पैरासाइट सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक होते हैं। अगर कहीं पे ये पूछा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, तो याद रखिएगा वो कवक हैं। और अगर ऐसा कुछ दिया रहे, ये तीनों दिया रहे और उसमें कौन नहीं होगा कवकों के साथ, तो भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऑटोट्रॉपिक नहीं हुए। कवकों की संरचना आइए हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान प्रक्रिया से कवकों की संरचना देखेंगे। यहाँ पे कव देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो कवकों का शरीर लंबे धागे के समान रचनाओं का बना होता है। जो ये कवकों का शरीर है, फंगस हैं, इनका रचना जो होता है धागे के समान बना होता है, जिन्हें कवक तंत्र या हाइफी कहते हैं। ये एक नया शब्द आप रट लीजिएगा, ये केवल कवकों में आपको मिलेगा कि कवकों का शरीर लंबे धागे नुमा होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइफी के नाम से जानते हैं। तो ये है हाइफी कहते हैं। कवक तंत्र मिलकर कवक जाल या माइसीलियम बनाते हैं। ये देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला होगा, हाइफी और माइसीलियम दो ऐसी चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा ये यूनिट है, एक इकाई है। अगर एक सूत्र होगा तो वो हाइफी कहलाएगा, और वही कई हाइफी जब मिल जाएंगे तो क्या कहला जाएंगे, माइसीलियम बन जाता है, कवक तंत्र का निर्माण होता है। और कवक तंत्र बने किसके होते हैं, सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है, और ये कवक तंत्र सेलुलोज या काइटिन के बने होते हैं। इसके आधार पे कवकों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेप्टेट, एक होता है सेप्टेट, पट्टी और अपपट्टी है। अब इसमें देखेंगे, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कि कवकों का चित्र दिखाई दे रहा है, तो इन चित्रों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये देखेंगे यहाँ पे जो ए है, विभिन्न प्रकार के ये देखेंगे, ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो है नॉन सेप्टेट है, ये वाला भाग इतना नॉन सेप्टेट है, अर्थात इसमें पार्टीशन नहीं है। देखेंगे यहाँ से ऐसे सीधे सीधे करके है, ये ऐसे करके, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार से कुछ ऐसे बनते हैं, ये इनका ऐसे सेप्टेट सीधे निकल जाता है और इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। लेकिन अगर ये सेप्टेट है, जैसे बी वाला नीचे का ये चित्र देखेंगे, इस चित्र में तो आपको क्या दिखाई देगा, ये पट्टी हैं, सेप्टेट हैं, अर्थात इसमें क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके इसमें डिवाइडेशन जगह जगह होता है, और इसके डिवाइडेशन के कारण ये सेप्टेट हाइफी कहलाते हैं और ये नॉन सेप्टेट हाइफी। तो याद रखिए कवकों की संरचना में कि ये दो चीज़ें हैं, कि कुछ होते हैं पट्टी और कुछ ना पट्टी, हिंदी में और इंग्लिश में सेप्टेट और नॉन सेप्टेट होते हैं। और एक चीज़ और है, जो पट्टी होते हैं, जो सेप्टेट होते हैं, वो मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, अर्थात उसमें कई, देखिए इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें कई न्यूक्लियस। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। कवकों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, बहुत अच्छा, ये सब पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें लवक नहीं होता है, इनके जीवद्रव्य कोशिका कला व कोशिका द्रव्य में भिन्नत होती है, लेकिन अन्य सभी कोशिकांग नहीं होते हैं, अन्य सभी कोशिकांग नहीं होते, बहुत से इसमें ऐसे कोशिकांग हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन अन्य सभी कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया तथा केंद्रक होते हैं। और जो होते हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया और तथा केंद्रक होते हैं। और वैसे भी आप याद रखिएगा कि जब यूकैरियोटिक है
तो यूकैरियोटिक जितने भी सेल होते हैं उसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके पहले अगर आपने बैक्टीरिया देखा होगा तो बैक्टीरिया, मैं पुरानी चीज़ें कुछ बता दूं कि बैक्टीरियाओं में क्या होता है कि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उसमें ये रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया, ये सब कुछ चीज़ें उसमें नहीं होती हैं क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। आगे बढ़ते हैं कवकों की कवकों के शरीर लंबे, ये हो गया कवक की संरचना। कवकों के संचित, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कवकों का संचित भोज्य पदार्थ, कवकों का संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन व लिपिड गोलिकाओं के रूप में होता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल के रूप में इनमें कवकों का संचित भोज्य पदार्थ होता है और ये ग्लाइकोजन होता है। अच्छा इसीलिए ये पोषण के मामले में अच्छा माना जाता है क्योंकि हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करते हैं और ये सीधे हम ग्लाइकोजन को ही लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छा माना जाता है। अगला है पट्टी हाइफी, जो सेप्टेट हाइफी की प्रत्येक कोशिका में एक या दो या अधिक केंद्रक हो सकते हैं। इनमें जनन की क्रिया कायिक होती है, वेजिटेटिव होती है, सेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल, तीनों विधियों द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। अगला है परजीवी कवक, यहाँ पे ध्यान देंगे, परजीवी कवक अपना भोजन परपोषी से एक विशेष संरचना द्वारा अवशोषित करता है। परजीवी कवक अपना भोजन एक विशेष परपोषी संरचना द्वारा अवशोषित करता है जिसे होस्टोरियम कहते हैं। तो ये उनके जो सकिंग करने का ऑर्गेन है हाइफी का, उसको बोला गया है कि जिससे ये किसी भी बेस पे, किसी भी कार्बनिक पदार्थ पे जिससे ये अपना अवशोषण करता है उससे अटैच होता है, तो उसे हम होस्टेरियम कहते हैं। मृतजीवी कवक कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम उत्पन्न करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देंगे, जिनके द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, फिर ये इनका अवशोषण करते हैं। मतलब कि ये जिस रूप में होता है कार्बनिक पदार्थ ठीक उसी रूप में अवशोषित नहीं करते हैं बल्कि एंजाइमों के द्वारा उसे जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं तब फिर उसे अवशोषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं कवकों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फंगस या कवक। कवकों का मनुष्य के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार से होते हैं, देखेंगे कैसे कैसे ये लाभदायक होते हैं कैसे हानिकारक होते हैं। आते हैं सबसे पहले मनुष्य के लिए कवक, कवक मनुष्य के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ कवक भोजन के रूप में जैसे एग्रीकस, जो आप मशरूम ला करके मार्केट से खाते हैं वो एग्रीकस ही होता है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी खाए जाने वाले फंगस या कवक को पूछा जाता है तो एग्रीकस, मार्केला, लाइकोपर्डान कवक उपयोग में लाए जाते हैं। इष्ट नामक कवक में विटामिनों की भरपूर मात्रा होती है और ईस्ट का प्रयोग हम क्या करते हैं, डबल रोटी, पनीर, अल्कोहल एवं अम्ल बनाने में भी कवकों का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो डबल रोटी जो फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है ब्रेड में, आपने देखा होगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो छिद्र ईस्ट के कारण, फर्मेंटेशन क्रिया के कारण ही ऐसा होता है। वो किसी अन्य वीडियो में, हम एक और वीडियो बनाए हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा फर्मेंटेशन क्या होता है। डबल रोटी, पनीर, अल्कोहल एवं अम्ल बनाने के कवकों में उपयोग होता है। अल्कोहल निर्माण में इष्ट नामक कवक द्वारा फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है। कवकों द्वारा निम्न एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। तो ये है कवकों के आर्थिक महत्व। हम और आपको बता दें इसमें कि इसके बाद में आता है, ये देखिए कौन कौन से कवक हैं। औषधि दवा के निर्माण में भी कवकों का उपयोग होता है, कवकों से बहुत सी दवाएं प्राप्त की जाती हैं। ये दवाएं एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे पेंसिलिन, आपने बहुत ही प्रचलित नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन। तो ये पेंसिलिनियम नोटेटम तथा पेंसिलिनियम क्राइसोजिनम दो प्रकार के, फिर से सुनेंगे, पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण पेंसिलिनियम नोटेटम एवं पेंसिलिनियम क्राइसोजिनम दो ऐसे कवक हैं जिनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। पहले जो खोजा गया था वो पेंसिलिनियम नोटेटम के द्वारा ही होता है, लेकिन औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए पेंसिलिनियम क्राइसोजिनम का उपयोग किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिलिन का औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर
निर्माण इंडस्ट्रीज एरिया के लिए निर्माण किस कवक द्वारा किया जाता है? तो आप रटे रहेंगे पेंसिलिनियम नोटेटम, तो ये मत कर दीजिएगा, आपको पेंसिलिनियम क्राइसोजिनियम याद रखना होगा। अगला है फ्यूमीगैलिन, फ्यूमीगैलिन यह एस्परजिलस फ्यूमीगैटस नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। कीटोमिन यह कीटोमियम कोलाइडिस, इस प्रकार से कई भी हैं, रेमाइसिस, क्लोरोमाइसिटीन, सेफलोमाइसिटीन, वैसे भी जितनी एंटीबायोटिक होंगी उनमें सीन अंत लास्ट में लगा होगा, ये इसका वो सफिक्स है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, उसमें से आप इसको डाउनलोड करके इसको लिख भी सकते हैं और याद कर लीजिएगा कि कवकों के कौन कौन से एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, कवक मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक कवक जंतु दाद रोग एवं सांस से अनेक रोग उत्पन्न करते हैं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्राइकोफाइटान नामक कवक द्वारा दाद रोग होता है, जो खुजली होती है दाद रोग, वो ट्राइकोफाइटान नामक कवक द्वारा होता है। यहाँ तक कि बरसात के मौसम में कानों में पस आना, सीटी बजना, ये सब भी कवकों द्वारा होता है। दाँत खाज खुजली भी कवकों द्वारा होता है। अब कभी कभी छोटे बच्चों का देखा होगा आपने, बाल गिर जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, तो वह भी कवकों द्वारा होता है। बहुत से रोग कवक उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद, वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।